Hello, dear students. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School students. Today, in this video, we are going to cover part 2 and the last part of this chapter, the chapter number 7 forming adjectives from nouns from English language of class 8. So, students, without any delay, let's start. As you can see here, we are going to cover the exercise part of this chapter. यू कैन सी द एक्सरसाइज नंबर वन एड सूटेबल सफिक्स सफिक्स आपको क्या करना है सफ़िक्स ऐड करने हैं क्या ऐड करने हैं स्टूडेंट्स सफिक्स ऐड करने हैं यू हैव टू एड द सफिक्स टू द टू दीज नाउन्स सफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक दैम एडजेक्टिव फॉलो द एग्जाम्पल एग्जाम्पल की तरह जैसे कि accept में आपने एबल ऐड कर दिया एसेप्टेबल हो गया वैसे ही रेस्पॉन्स में आप क्या ऐड कर सकते हैं आप ई बेल एड कर सकते हैं आई बी एल ई और आप इसको रेस्पॉन्सिबल बना सकते हैं जहाँ से क्या होगा जो है ई e हट जाएगा जैसे कि आप लिख सकते हैं इसको आर ई एस पी ओ एन एस आई बी एल ई सो स्टैंड आई एल सेंड यू द पी डी एफ ऑफ दिस चैप्टर सो फ्रॉम द यू कैन टेक हेल्प आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं जोए है, जोए है, जो है, आप क्या यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स आप ओ यू एस यूज़ कर सकते हैं क्या यूज़ कर सकते हैं फुल या सबसे बेस्ट रहेगा आप फुल यूज़ कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट जॉयफुल हो जाएगा क्या हो जाएगा जॉय फुल ओके स्टूडेंट्स वुड वुड में आप ई एन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा वुडन डब्लू डब्लू डी ई एन वुडन मतलब लकड़ी का एजुकेशनल इसमें ए एल लगा दिए एजुकेशनल हो जाएगा क्वेरल कोयरल में आप क्या से यूज़ कर सकते हैं सम यूज़ कर सकते हैं क्वरल सम मतलब कोई चीज़ जो झगड़े की हो झगड़े की जड़ फ्रेंड में शिप ऐड कर दीजिए फ्रेंडशिप हो जाएगा स्लेव में आर वाई ऐड कर देंगे तो स्लेवरी हो जाएगा है ना अट्रैक्शन अट्रैक्शन में आप आई वी ई ऐड कर दीजिए तो अट्रैक्टिव आप इसको बोल सकते हैं यहाँ से आई ओ एन हट जाएगा जैसे कि हो जाएगा ए डबल टी ई ए डबल टी आर ए सी टी आई वी ओके स्टूडेंट्स चलिए द नेक्स्ट वन इज़ ग्रीड है तो इसमें आप ओनली वाई ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ग्रीडी हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स करेज में ओ यू एस आप ऐड कर देंगे तो वहाँ पर कैजीएस हो जाएगा ओके स्ट्रेंट्स चलिए फियर फियर आप फियर में आप क्या ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट्स फुल ऐड कर सकते हैं फियरफुल डरावना ओके स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट देखते हैं लेबर लेबर में आप ऐड कर दीजिए ओ यू एस एड कर देंगे उसमें ही लेबर यस हो जाएगा क्रिएट क्रिएट में एक्टिविटी ऐड कर देंगे या फिर आई वी ई ऐड कर सकते हैं तो ये क्रिएटिव भी हो जाएगा क्या हो जाएगा क्रिएटिव ओके तो स्ट्रेंड्स हंगर हंगर में आप वाई ऐड कर देंगे तो हंगरी हो जाएगा ओके स्ट्रेंड्स हंग्री एडजेक्टिव फॉर्मिंग एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन हंग्री हो सकता है हंग्री मैन हंग्री वोमेन एडजेक्टिव हो जाएगा थ्रस्ट मैं वाई एड कर दीजिए थ्रस्टी हो जाएगा थ्रस्टी मतलब प्यासा ओके स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे आपको करना क्या है मैच द फॉलोइंग मैच द वर्ड्स गिवन इन बॉक्स ए विद द वर्ड्स इन बॉक्स बी वर्क्स ए से आपको वर्क्स बी में क्या करने हैं वर्ड्स क्या करने हैं ऐड करने हैं मैच करने हैं टू मेक अ कंपाउंड एडजेक्टिव एक कंपाउंड एडजेक्टिव बनाने के लिए दिस कंपाउंड एडजेक्टिव शुड बी रिटर्न इन हाइपरनेटेड फॉर्म ये कौन सी फॉर्म में लिखे जाने चाहिए हाइपरनेटेड फॉर्म में फॉलो द एग्जाम्पल जैसे कि हाइपरनेटेड फॉर्म कैसी होती है स्टूडेंट्स एक वर्ड लिख दिया एक वर्ड के बीच में आपको एक हाइफन लगाना होगा जैसे कि यहाँ पर ये जो हाइफन लगा हुआ है बीच में ओके okay, स्टूडेंट्स तो वो होती है अपन फॉर्म जैसे शॉर्ट तो शॉर्ट को आप बोल सकते हैं शॉर्ट के साथ आप यूज़ कर सकते हैं अगर ये वन है तो यहाँ से मैं शॉर्ट को जैसे स्लाइटेड बोल सकता हूँ यहाँ पे भी वन लिख दूँगा जैसे स्टूडेंट नेक, नेक्स्ट है वेल वेल के साथ हम एडुकेटेड ये टू है तो यहाँ पे भी मैं टू लिख देता हूँ वेल एजुकेटेड इजी ईज़ी के साथ हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट गोइंग यूज़ कर सकते हैं ये थर्ड है तो ईज़ी गोइंग यहाँ पर ये इजी गोइंग हो जाएगा वर्ल्ड वर्ल्ड के साथ फेमस यूज़ हो जाता है स्टूडेंट क्या यूज़ होता है वर्ल्ड फेमस तो ये फोर्थ है तो फेमस के साथ में मैं फोर लिख देता हूँ चलिए यूज़र यूज़र के साथ स्टूडेंट फ्रेंडली यूज़ होता है तो यूज़र फ्रेंडली मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं मतलब इजी से बैड बैड स्टूडेंट बैड के साथ आप टेम्पर्ड मतलब उसका जो टेम्पर है वो बेकार है टेम्पर मतलब uh, सहन करने की शक्ति या फिर आपा खो देना है ना बैड टेम्पर्ड चलिए टैक्स टैक्स के साथ स्टूडेंट आप फ्री यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़ है वो कैसी है टैक्स फ्री है तो एयर एयर स्टूडेंट एयर के साथ आप यूज़ कर सकते हैं एयर के साथ आप यूज़ एयर टाइट यूज़ कर सकते हैं ना। एयर टाइट एयर यानी जहाँ से हवा पास नहीं होती एयर टाइट है ना जिसमें से हवा पास ना होती लेफ्ट लेफ्ट uh, uh, का लेफ्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं आप हैंडेड है ना कोई भी पर्सन अगर लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंडेड बोल सकते हैं हम उसको चलिए होल है ना तो होल के साथ हम यूज कर सकते हैं हल्टेड होल हल्टेड मतलब वो पूरी तरह से हल्टेड पर्सन है होल हर्टेड है लॉन्ग 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 के साथ हम लिफ्ट का यूज कर सकते हैं ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट गुड नेचर्ड किसी का नेचर अच्छा है तो गुड नेचर्ड हो जाएगा ओके फ्रेंड्स यू कैन हैव द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस दिस पार्ट ऑफ दिस टेबल आप इस टेबल का स्क्रीन शॉट ले सकते हैं वहाँ से आप इसको फिल कर कर सकते हैं ओके फ्रेंड्स, अदरवाइज आई विल सेंड यूथ दी डी एफ ऑल्सो मैं आपको पी डी एफ भी सेंड कर देता हूँ चलिए ब्रेन टिकलर्स में आपको क्या दिया हुआ है फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं उनके हिसाब से एंड से एंड होता हुआ एडजेक्टिव बताइए फॉलो द एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ समथिंग दैट इज ऑबियस टू हैपन तो जो ऑबियस टू हैपन हो उसको एविडेंट बोलते हैं वैसे ही पार्टली ट्रांसपेरेंट जो चीज़ पार्टली ट्रांसपेरेंट हो जहाँ से आप देख सकते हो चीज़ों को तो, तो क्या हो जाती है ट्रांसलूसेंट हो जाती है क्या हो जाती है ट्रांस लूसेंट एल यू सी ई एन टी ओके स्टूडेंट आप पॉइजन एड पर्सन और डिज़ायर है ना आप पॉइजनेट पर्सन और डिज़ायर को हम एडेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं एडेंट ओके स्ट्रेंड्स समथिंग दैट कॉजेज इंजरी और डैमेज किसी की वजह से इंजरी और डैमेज हो जाते हो तो उसको हम मेल फिसेंट बोलते हैं मेलफिसेंट एम एल एफ आई सी ई एन टी ओके स्ट्रेंड्स द नेक्स्ट वन प्रजेंट टॉट द यूनिवर्स पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट हो उसको हम ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह अवेलेबल हो नेक्स्ट वन आपको दिया हुआ है नेक्स्ट वन इज बबिंग बबलिंग एंड हिसिंग और एज गैस एस्केप्स तो इस तरह से बबलिंग और हिसिं, हिसिंग करना जैसे कि गैस निकल रही हो तो उसको हम क्या बोलते हैं एफर वी ई एस सी ई एन टी ओके स्ट्रेंड्स दैन नेक्स्ट वन फुल ऑफ जूस तो उसको हम बोलते हैं स्कलैंट एस यू डबल सी यू एल ई एन टी ओके स्ट्रेंड्स समथिंग दैट इज़ वेरी ओल्ड जो बहुत चीज अगर पुरानी हो तो उसको हम बोलते हैं एन सी एंट प्राचीन बोलते हैं नास्मिटिंग लाइट ट्रांसमिटिंग लाइट मतलब कोई ऐसी लाइट जो दूसरी तरफ से आ रही हो तो उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे ट्रांसपेरेंट चलिए नेक्स्ट वन फीलिंग सॉरी फॉर द सिंस डन जो भी आपने कुछ गलत काम कर लिया है उसके लिए अगर आपको सॉरी फील हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं बेलेग्रेंट The next one is given, waging war, uh, waging war against सम वन और समथिंग किसी के खिलाफ वॉर जो है वो खड़ा करना तो वो क्या वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक यहाँ पर इट इज़ अम इसको हम बोलते हैं पेनिटेंट क्या बोलते हैं पेनिटेंट है ना और इसको हम बोलते हैं बेलेग्रेंट चलिए पर्सन कंप्लीटेड रिफ्रेनमेंट ऑफ फ्रॉम फूड और एल्कोहलिक्स एल्कोहलिक्स तो जिसके जिसको जो है फूड और एल्कोहलिक्स पूरी तरह से रिफ्रेनमेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं ऑब्स्टिनेंट। क्या बोलते हैं ऑब्स्टिनेंट। ओके स्ट्रेंड्स चलिए द नेक्स्ट पार्ट स्टडी इन एप्लीकेशन एंड एफर्ट तो जो बहुत ही मुश्किल हो एप्लीकेशन और एफर्ट में उसको हम क्या बोलते हैं डिलीजेंट क्या बोलते हैं चलिए ग्रैंड एंड स्पलेंडेड ग्रैंड एंड स्पलेंडेंड को मतलब बहुत ही बड़ा और अच्छा उसको मैग्निफिसेंट बोलते हैं चलिए कॉलिंग फॉर इमीडिएट अटेंसन तो जब आप किसी को बहुत ही तुरंत बुलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अर्जेंट ओके स्टूडेंट्स द लास्ट वन इज़ वर्चुअली आइडेंटिकल तो वर्चुअली आइडेंटिकल तो को हम क्या बोलते हैं क्यूबेलेंट दूसरा वर्ड इसके लिए क्यूवेलेंट यूज कर सकते हैं ना सो स्टूट आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज Thanks for watching the video. Keep studying at home and always love your parents. Thank you.